कोरोना कर्फ्यू के चलते करीब 2 माह से सोलन में 80% लोग अपने घरों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचा रहे हैं। लेकिन पुलिस फोर्स न केवल दिन में बल्कि रात में भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सड़कों पर खड़ी है। आपको बता दें कि सोलन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करीब 600 पुलिसकर्मी, 350 होमगार्ड के जवानों के अलावा 5 रिजर्व बटालियन सड़कों पर पसीना बहा रही है। उन्हीं के अथक प्रयासों से सोलन जिला सुरक्षित है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट में जब हम अपनों के बीच समय व्यतीत कर रहे हैं, वहीं पुलिस जवान अपनों से दूर रहकर तपती धूप, तेज बारिश और उड़ती धूल के बीच सड़कों पर तैनात हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कोरोना संकट में अपनों के बीच रहकर भी हम अपना सुख दुख साझा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वॉरियर्स पुलिस को पिछले 2 माह से कोई भी छुट्टी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि अगर किसी जवान को बेहद जरूरी कार्य है तो उस पर एसपी सोलन अपनी सहमति देते हैं, तभी उसे छुट्टी मिल रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अगर कोई जवान बीमार होता है और अगर उसे छुट्टी चाहिए तो उसे पहले मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। अगर मेडिकल बोर्ड को लगता है कि पुलिस जवान को छुट्टी दी जा सकती है तो ही उसकी छुट्टी मंजूर होती है, अन्यथा उसे ड्यूटी पर वापस भेज दिया जाता है। एएसपी सोलन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टीम को जो भी ड्यूटी दी जा रही है वे उसे बखूबी निभा रहे हैं, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। सोलन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस की टीम दिन रात एक कर रही है, यही वजह है कि सोलन पूरी तरह सुरक्षित है। काफी इम्पोर्टेंट रोल है और प्राइमरी रोल है लोगों को कंट्रोल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने का और उसके साथ साथ जो रेगुलर क्राइम चल रहा है उसको भी देखने का। तो यहाँ पे सोलन पुलिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 1000 के करीब जो है अभी वर्किंग फोर्स है, उसमें हमारे 600 के करीब अपनी डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है। 5 रिजर्वें हमें बाहर से प्राप्त हुई हैं और इसके अलावा 350 के करीब हमारे जो हैं होमगार्ड्स के जवान हैं जो डिफरेंट ड्यूटीज़ में कोरोना में लगाए गए हैं। जहाँ तक आपने छुट्टियों की बात की है तो पुलिस विभाग क्योंकि एसेंशियल डिपार्टमेंट में आता है, इसमें छुट्टी जो है वो बिल्कुल बंद है अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो सकती है, उसमें भी एसपी महोदय की अप्रूवल से ही उनको छुट्टी दी जाती है। अदरवाइज किसी को भी किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जा रही है। इवन मेडिकल पे जाने की भी जो परमिशन है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको जो है मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड जो है वो उनके लिए जो है मेडिकल के लिए अप्रूवल देता है। साथ साथ इनकी वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मैं अपनी फोर्स का धन्यवादी भी हूँ कि इन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जो है वो काम किया है और अपने ऑफिसर्स के साथ, और पूरी तरह से इनको जो भी ड्यूटी दी गई है हमारे लोगों को वो इन्होंने निभाई है। और हम लोग जनता का भी इसके लिए धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है, पुलिस की और प्रशासन की जो भी डायरेक्शंस होती हैं उसको मानते हैं। कुछ सामाजिक संगठन भी हैं जिन्होंने हमारे जो नाके पे जो जो व्यक्ति जहाँ पे लगे हैं और जब कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, टोटल लॉकडाउन था, तो उस कंडीशन में भी उन्होंने चाय पानी की व्यवस्था जो है पुलिस के लिए की है। तो ये हमारी जो नाकाबंदी वगैरह है ये राउंड द क्लॉक चल रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने जो पुलिसकर्मी हैं इनके रेगुलर इनके मेडिकल टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इवन कोविड का टेस्ट भी इनका करवाया जा रहा है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट में 250 के करीब जो है कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं पुलिस वालों के, और इनको बारी बारी से रेस्ट भी दिया जाता है। शिफ्ट में इनकी ड्यूटी रहती है 8 आवर्स से, कोशिश की जाती है कि इससे ज़्यादा इनकी ड्यूटी ना रहे और ड्यूटी को भी रोटेट करके लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं जैसे ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं और हैंड वॉश हैं, ये इनको प्रोवाइड किए गए हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति को जो है ये इशू किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी विटामिन सी की टैबलेट, मल्टी विटामिन्स और ये जो आयुष काढ़ा है आयुर्वेदिक विभाग ने जो हमें प्रोवाइड करवाया है वो भी पुलिस कर्मियों को प्रोवाइड किया गया है। हम लोग जो हैं जो भी टास्क गवर्नमेंट द्वारा इस टाइम दिया जाता है, प्रशासन द्वारा दिया जाता है, उसको पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं ताकि ये जो महामारी है इसको रोका जा सके और इससे समाज को जो है बचाया जा सके। सर रोज़ाना दिन में कितने घंटे पुलिस जो है ड्यूटी पर तैनात रहती है? देखिए जहाँ तक ड्यूटी की बात है तो पुलिस तो 24 आवर अवेलेबल रहती है, लेकिन वो ज़रूर है कि हम लोग ड्यूटी जो है वो शिफ्टों में लगाते हैं।
तो थाने में ये अलग अलग है जहाँ जहाँ पे फील्ड ड्यूटियाँ लोग कर रहे हैं। जैसे किसी नाके पे अगर बात करें तो वहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी पॉसिबल है, वहाँ शिफ्ट में लगाई गई हैं ड्यूटीज। इसके अलावा कुछ जो है वो फील्ड का स्टाफ है, थाने में है, वहाँ पे हमारे लोग 18 18 घंटे भी काम कर रहे हैं कहीं पे। तो जिसको जो भी तैनाती दी जाती है वो उसको पूरी शिद्दत से निभाता है। और इसके अलावा जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं उनको पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार 50 रुपये की रोज की जो है रेफ्रेशमेंट भी देने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में नवरात्रे भी आए और साथ ही साथ ईद भी आई, तो इसी बीच क्या उन्हें मतलब कि परिवार के साथ घुल मिलने का समय मिला? नहीं, इस टाइम तो आई थिंक ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जो है इस टाइम लोगों की जो सर्विस है वो है। और ऐसी कोई स्पेशल छुट्टी किसी को नहीं दी गई कि आप त्यौहार मनाइए आप जो है, क्योंकि मैक्सिमम ये भी है कि कुछ लोगों के परिवार जो है यहीं पे हैं, नज़दीक ही रहते हैं, साथ ही परिवार के साथ ही रहते हैं, तो उनके साथ जो है वो हम लोग अपनी खुशी शेयर कर लेते हैं। क्योंकि पुलिस परिवार भी एक आपस में हम लोग सदस्य हैं इस परिवार के, और आपस में हम लोग खुशी शेयर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा इस पेंडेमिक के दौरान किसी को स्पेशल ऐसी कोई भी छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही दी गई है। सोलन की जनता जब से ये क्राइसिस हुए हैं तब से लेके बहुत सहयोग कर रही है, और जब भी प्रशासन और पुलिस के जो भी निर्देश जाते हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ जो नाके पे राउंड द क्लॉक खड़े हैं उनको काफ़ी सहयोग जनता से मिल रहा है। मैं फ्यूचर में भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग करें, हम लोग आपके लिए ही खड़े हैं सड़कों पे, और ताकि जो है ये जो बीमारी फैली है इससे यहाँ पे समाज की जो है वो सुरक्षा हो सके।